हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चिली। चिकन चिली सभी घरों में लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं जो चिकन चिली बनाने जा रही हूँ वो विदाउट एग वाला है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चिकन तो पसंद करते हैं पर एग नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चिकन चिली बनाई जाए जो हर लोग इन्जॉय कर सकें और ये बहुत मज़े की भी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन, 300 ग्राम लिया है, बोनलेस चिकन है ये। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और वेनेगर है 1 टीस्पून, इसे वाइट सिरका भी बोलते हैं। अब मैंने ली है यहाँ पर सोया सॉस, ये सोया सॉस 1 टीस्पून है। यहाँ पर मैं कुछ सूखे मसाले लिए हूँ, ये है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, फूड कलर थोड़ा सा है, इसे 1/4 टीस्पून बोल सकते हैं। अब मैं चिकन में सबको डाल दूंगी, पहले सूखे मसाले, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये है वेनेगर, सोया सॉस, सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून अरारोट पाउडर डाल रही हूँ। अरारोट पाउडर को भी डाल करके अच्छे से मिला देती हूँ। इस पॉइंट पर आप चाहें तो एक अंडा डाल सकते हैं, अगर आप अंडा पसंद करते हैं तो एक डाल दीजिए। ये देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए ये आधा घंटा होने के बाद ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये कितना शानदार सा लग रहा है। तो अब मैं इसे फ्राई करने चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसे एक एक पीस करके इसमें डाल दे रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है। 2 मिनट मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं अब इसे थोड़ा सा हल्का हल्का हिला करके तब फिर इसे पलट दूँगी। अब दूसरे साइड से भी मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इसे इस तरह से पलट दिया, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये दोस्तों क्रिस्पी नहीं होता है, ये जो चिकन चिली के जो पकौड़े बनते हैं वो क्रिस्पी नहीं होते हैं, इसे जूसी ही रखना है। तो इसे अब मैं निकाल देती हूँ। देखिए ये देखने में कितना जूसी लग रहा है ना। अब जो बाकी बचा हुआ है उसे भी मैं फ्राई कर दूंगी। एक एक पीस करके मैंने डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ करके अब मैं इसे भी हिला दे करके और पलट दूंगी। बस इसे उलट पलट करके फ्राई कर लेना है। इसे भी हटा देती हूँ ऑयल से, थोड़ा ज़्यादा ऑयल था तो मैंने ऑयल को हटा दिया। अब मैं चलती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है ये प्याज है, 6-7 प्याज छोटे साइज़ के थे, इसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया। यहाँ पर हरी मिर्च है 8-10 और ये शिमला मिर्च है, इसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट दिया है और हरी मिर्च को भी बीच से कट कर लिया था। देखिए ऑयल को मैंने कम कर दिया, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून रह गया है ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, तीनों को डाल करके फ्राई करूँगी। तो इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक, प्याज का कलर चेंज हो जाए बस उतना ही तक रखना है और ये देखने में ट्रांसपेरेंट लगने लगे बस इसी पॉइंट पर इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ली है जिंजर है 1 टीस्पून और गार्लिक 2 टेबल स्पून है। इसे मैं डाल करके प्याज के साथ अच्छे से चला दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये मसाले जो हैं वो भून जाएं, ताकि जो कच्चापन का स्मेल होता है जिंजर गार्लिक का वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़े से मसाले हैं, ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ये तीखी है रेड चिली पाउडर, ये वाइट पेपर है, इसे भी मैंने डाल दिया। ये सब तीनों 1 टीस्पून था। यहाँ पर मैंने ली है 2 टीस्पून ये है सोया सॉस, उसे भी मैं डाल करके मसालों के साथ चला दूंगी। ये है टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून और चिली सॉस 2 टीस्पून है। ये सबको भी डाल करके ग्रेवी में मिक्स कर देना है। अब मैं प्यालों में थोड़ा सा पानी डाल करके जो सॉस लगा हुआ था उसे भी मैं डाल दूंगी। तो ये देखिए ग्रेवी तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी को और थिक और गाढ़ा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ली है अरारोट पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है, इसे मैं पानी से घोल बना दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं करके पानी डाल रही हूँ ताकि इसका एक पतला सा घोल बना दूँ। देखिए घोल तैयार हो चुका है। अब मैं जो ये ग्रेवी बना है उसमें डाल करके इसे चला दूँगी। तो मैं इसे धीरे धीरे करके डाल दी। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी ताकि ये ग्रेवी में एक साथ हो जाए
और इसे चलाते चलाते इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ तो ये और थिक लगने लगा है, तो अब मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से जो अरारोट है वो पक जाए ग्रेवी के साथ, इसका कच्चापन नहीं लगे। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैंने ली है 2 टीस्पून है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे भी मैं इस तरह से मिला करके अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए पका लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेवी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें पकौड़ों को डाल देती हूँ। तो ये जो फ्राई हुए पकौड़े हैं उसे भी मैं डाल करके बस ऊपर नीचे करके पका लूँगी। और थोड़ा सा और मैंने पानी डाला ताकि ये जो पकौड़े हैं ये अच्छे से पक जाएं। चिकन अच्छे से पक गए हैं तो इसे मैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है शक्कर, 1 टीस्पून मैं इसमें शक्कर डालूँगी। शक्कर डालने से क्या होता है कि ये जो खट्टा और तीता जो है वो बैलेंस में आ जाता है। अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ विनीगर है, ये 1 टीस्पून है, इसे भी मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बस देखिए ये रेडी हो चुका है, कितना शानदार लग रहा है, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस बना है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। आप मेरे स्टाइल में बना करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।